शर्मा हम लोगों ने लगभग 3-4 दिन में बनाई है और इस चीज़ की प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी से मिली है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोग इस प्रकार की प्रतिमा बनाए के लोगों को? इस चीज़ से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये नहर है जहाँ की कोई काम नहीं करना चाहता है, यहाँ पे हम लोगों ने बनाई है और यहाँ पे कल उद्घाटन भी होना है। संध्या सोनी है, मैं साईं पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ और ये जो कलाकृति है हम सब छात्रों ने मिलकर बनाया और हमें गाइड किया है हमारे टीचर्स ने, जिसमें हमारे टीचर्स का सबसे ज़्यादा सहयोग है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कला जीवन की उपयोगिता है, कला की कला से जीवन आसान हो जाता है। जो कला ये है तो जीवन के रहस्य के पर्दे फाड़ सकते हैं, कलाकार ये है। कितने दिन में ये बनी और कितने लोगों की टीम ने इसमें हिस्सा लिया है? 4। हमारे विनोद सिंह जी और हमारे बच्चों द्वारा जो और विनोद की टीम के द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, और यही नहीं हम देखते हैं कि हमेशा और यूनिक चीज़ ये लेके देते हैं और ये बच्चे इसमें इतना कुछ सीखे हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि विनोद जी हमारे साथ रहें और इस तरह का बार बार नए नए प्रोजेक्ट लाएं और उसको सब बच्चे करें ताकि कला के क्षेत्र में भरपूर इन समों का समुचित विकास हो सके और हमारे कॉलेज का नाम चतुर्थक प्रसिद्ध हो जाए। बस सर, इस प्रकार के कार्यक्रमों से क्या मैसेज जाएगा लोगों में? लोग असल बात देखिए, एक सुदर्शन पटनायक हैं, वो उड़ीसा में समुद्र के किनारे ये सब कलाकृति बनाते रहते हैं। उनके माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि ये कितना प्रभावशाली माध्यम है आदमी को प्रभावित करने का, और वो चीज़ हमारा ख्याल है उत्तर प्रदेश में पूरा ये पहली बार हो रहा है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे विभाग, हमारे कला संकाय के लिए और हमारे समाज के लिए कि हम जाने इसको